हेलो हेलो, क्या तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? हाँ, क्योंकि आवाज को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर जो हवा के कारण तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो। लेकिन क्या तुम मेरी आवाज को स्पेस या फिर वैक्यूम में सुन पाओगे, या फिर हम इस ड्रोन को स्पेस में उड़ा सकते हैं? आज हम इन सभी चीजों को ट्राई करने वाले, क्योंकि हमारे पास है वैक्यूम चैम्बर। ये वैक्यूम चैम्बर बना है बहुत ही मजबूत एक्रेलिक मटेरियल से। देखो भाई, यहाँ पर जो है ये है इसका वैक्यूम गेज, जिसकी मदद से हमें पता चल जाएगा इसके अंदर जो है कितना वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। और भाई यहाँ पर जो है देखो, दो होल है, एक से जो है वैक्यूम क्रिएट होगा और दूसरे से जो है हवा इसके अंदर फिर से जाएगी। और भाई ये जो है ना -760 टोर तक का वैक्यूम क्रिएट कर सकता है, जो कि एक एब्सोल्यूट लेवल का वैक्यूम है। और इसकी मदद से हम स्पेस में होने वाली चीजों का यहीं पर पता लगा सकते हैं। या साथ ही वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमें एक पावरफुल वैक्यूम पंप की भी जरूरत पड़ेगी। एक तरफ से पाइप को लगाना है इस वैक्यूम पंप के अंदर और भाई दूसरी तरफ से लगाना है इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर। डन। एक तरफ है ये भारी चीज और दूसरी तरफ है बिल्कुल हल्की चीज। अगर हम इन दोनों को एक साथ घेरते हैं तो एग्जैक्टली भाई भारी चीज जो है वो पहले गिर जाती है और हल्की चीज जो है एयर रेजिस्टेंस फोर्स के कारण बाद में गिरती है। लेकिन इन दोनों पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल इक्वल लगता है। अब ये चीज कितनी सच है वो हमें पता चलेगा इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर। पहले हमने इसको नॉर्मल ट्राई किया और भारी चीज पहले गिर गई, और अब हमने इसको वैक्यूम में ट्राई किया। अब देखो, गाइस बिल्कुल एग्जैक्टली भाई ये दोनों चीजें जो एक साथ गिरी है, मतलब चाहे चीज भारी हो या फिर हल्की, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन दोनों पर इक्वल लगा है। भाई ये चीज जो है मुझे पक्का ट्राई करनी थी, क्या हम स्पेस क्राफ्ट की तरह अपने नॉर्मल ड्रोन को स्पेस में उड़ा पाएंगे या फिर नहीं। गाइस ड्रोन को जो है हमने इसके अंदर डाल दिया, देखो वैक्यूम अभी बिल्कुल जीरो है। ओह, अभी ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट उड़ रहा है। ठीक है, देखो उड़ रहा है ना। ठीक है, अब जो है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ओ भाई, पंगड़ी पंगड़ी घूम रही है। गाइस अभी जो है ना फुल वैक्यूम भी क्रिएट नहीं हुआ और भाई ये जो ड्रोन है ना इतने में भी नहीं उड़ पा रहा। देखो बस इसकी जो पंगड़ी है ना वो घूम रही है, फुल थ्रॉटल है भाई साहब, अभी भी नहीं उड़ रहा। देखो पंखड़ी जो है ना सिर्फ घूम रही है और भाई ड्रोन नहीं उड़ रहा। उड़ गया गाइस। अब जैसे इसके अंदर हवा गई तो भाई ये जो है बिल्कुल अच्छी तरह उड़ने लगा। लेकिन भाई हम जो है इसको वैक्यूम या स्पेस में नहीं उड़ा सकते। गाइस लाइट जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन भाई साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो क्या ये GoPro इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमारी एकदम परफेक्ट तरीके की वीडियो बना पाएगा या फिर नहीं? गाइस अभी जो है हम इस GoPro को रखने वाले हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर। ठीक है, ये गया अपना GoPro वैक्यूम चैम्बर के अंदर। हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। गाइज अब जो इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर एकदम फुल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है और भाई अब देखते हैं इस GoPro को मेरी आवाज सुनाई देती है या फिर नहीं। ठीक है, हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुन रही है? हमने अपने GoPro को बाहर निकाल लिया और भाई इसका जो टेम्परेचर है ना, दिखा, देखो गाइस, और भाई यहाँ पर देखना इसका टेम्परेचर 42, 50, 49। गाइस वैक्यूम में जो है ना हीट भी जो है ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसके कारण भाई ये जो GoPro है ना, अगर इसको हम थोड़ी देर तक और वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते ना तो भाई पक्का ये भी जो है ना खराब हो सकता था। गाइस नॉर्मल कंडीशन में पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन भाई जैसे प्रेशर कम होता है ना तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं वहां पर जो प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसलिए जो पानी है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबल जाता है। लेकिन भाई अगर हम इस पानी को वैक्यूम चैम्बर के अंदर डालेंगे तो भाई साइंस की माने तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये जो पानी है ना वो रूम टेम्परेचर पर ही उबलने लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये चीज जो है वो काम करती है या फिर नहीं। ये रख दिया भाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर। गाइज यहाँ पर जो है भाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर ये जो पानी है ना, देखो भाई वो जो है उबलने लगा था, लेकिन ये जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर उबला था, इसलिए ये मत समझना कि ये गर्म है। देखो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन भाई ये जो है कंप्रेसर होने के कारण नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो है ना बॉइल करने लगा था। देखो यहाँ पर देखो भाप भी दिख जाएगी, बाहर चारों जो है पानी निकल गया। कैमरा बंद कर दे।